आज हम अभी तीर्थन घाटी के गुसैनी शहर के साथ अपने रुद्रा फिश फार्म में यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे यहाँ पर जो ट्राउट फिश का जो उत्पादन कर रहे हैं ऐसे बहुत अच्छे फार्मर हमारे रुधिर डॉट जी, इन्होंने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की पहली प्राइवेट हैचरी यहाँ पर बनाई है और लगभग इस साल 1 लाख से अधिक मछली के बीज स्वयं यहाँ पर तैयार किए हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी घाटी या तीर्थन घाटी ट्राउट फिश के लिए पूरे देश भर में मशहूर है, उस नाते यहाँ पर बहुत सारे फार्मर हैं और यहाँ पर ट्राउट फिश का बीज के साथ यहाँ पर टैंक बने हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा ट्राउट फिश ये तैयार कर रहे हैं। ये अपने हिमाचल प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इस बार बहुत सारे ट्राउट फिश फार्मों के लिए, जो विभिन्न आपदा के समय में बहुत बाढ़ आती थी तो मछलियाँ उसमें बह जाती थी, ख़राब हो जाती थी, मर जाती थी, तो उनके लिए पहली बार जो उनका बीमा करवाया है और उस नाते इस क्षेत्र के जितने भी अन्य पर्यटन व्यवसायी हैं सभी को इसका लाभ मिला है। और मैं भी सभी ट्राउट फिश फार्मरों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी जितने भी पूरे इलाके के अंदर टैंक बने हैं और उन टैंकों के में जितनी भी मछलियाँ हैं आप उनका बीमा अवश्य करवाएं। उसके साथ मत्स्य के क्षेत्र में यो घाटी फिश फार्म के नाते, ट्राउट फिश के नाते और आगे बढ़े, मैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहां आकर के बहुत अच्छा लगा और ऐसा निजी व्यवसाय शुरू करना, और इस नाते युवाओं को कुछ सीखना चाहिए कि भाई जिनकी ज़मीनें सड़क अपनी नदी के साथ हैं उनको चाहिए कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। यहाँ का ट्राउट फिश कितना स्वादिष्ट है, इसका हम आने वाले समय में सभी फार्मरों के साथ मीटिंग करके इसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो और ये इनका अच्छे दाम इनको मिले, उस नाते में आने वाले समय में प्रयास करूँगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ये एक नया लघु उद्योग के नाते ट्राउट फिश की जो हमारे इस इलाके के अंदर नई नई हैचरी बनना और नए नए टैंक बनना, नए लोगों को रोज़गार मिलना, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके कारण बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ट्राउट फिश का अच्छा उत्पादन होगा और मत्स्य इसके साथ हम इस नदी के अंदर, तीर्थन नदी के अंदर मत्स्य खेट प्रतियोगिताएं करवाते हैं, फिश एंगलिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग देश विदेश से यहाँ पर भाग लेने आए हैं, उसको भी हम बढ़ावा देंगे ताकि हमारी तीर्थन घाटी को हम पर्यटन के साथ इस ट्राउट फिश को भी जोड़ें और ताकि इस नारंग नाती हमारी घाटी का पूरा अच्छा नाम हो। इतना मैं कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।